गाइस, ये फ्रेम बना लिया है जो हमारी नई कॉलोनी तैयार हो रही है। उस लकड़ी का जो फ्रेम है वो इसमें लगा दिया है। इसके ऊपर जो फट्टा वगैरह है, वो प्लाई वगैरह है, वो लगाई जाएगी। चैनल भाव लबड़ कैसे सारे उनका ठीक होंगे, आप बस ठीक होंगे, आप भाई के दोस्त मैं ठीक हूँ, मेरे बस ठीक है। तो गाइज, आपका भाई भारत एक बार फिर दोबारा से एक नई कॉलोनी, जो कॉलोनी बहुत बड़ी बन चुकी थी, उसको थोड़ा सा क्रॉप करके उसमें से हम कुछ हिस्सा बजीज के लिए बना रहे हैं अलग से कॉलोनी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ब्रीडिंग करने में दिक्कत आती है। तो ये कॉलोनी है, ये हम बना रहे हैं, जो हमारे ये भाई कारपेंटर, ये जो पहले सबसे पहले इसका फ्रेम बना रहे हैं, ये देखिए सामने फ्रेम ठोक रहे हैं इसका। पहले फ्रेम लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉलोनी बन चुकी है, उसके बीच में पार्टीशन करना है, तो उसमें पहले फ्रेम लगा रहे हैं। फ्रेम लगाने के बाद उसके ऊपर प्लाई फट्टा वगैरह है वो लगाई जाएगी, वो आपको आगे में आपको वीडियो में दिखाऊंगा। गाइस देखिए, फाइनली जो इसका फ्रेम है पार्टीशन का, न्यू कॉलोनी का फ्रेम है, वो बन चुका है। उसमें आपको देख रहे होंगे दो डोर दिए हैं मैंने बीच में उसके, एक जो अंकल लग रहे हैं इधर की तरफ, ये एक भैया लग रहे हैं इधर की तरफ, नीचे डोर दिए हैं, और ऊपर एक वेंटिलेशन के लिए एक जाली लगा देंगे, उसके लिए भी खांचा छोड़ा पड़ा है, उसके लिए खाना छोड़ा पड़ा है। तो आपको आगे से दिखाता रहूँगा पूरी कॉलोनी, वीडियो को आपको लास्ट से देखना है बिल्कुल। तो गाइस देखिए, कॉलोनी में जो पट्टे हैं, जो प्लाई बोर्ड है, वो ठोका जा रहा है बड़ी मजबूती के साथ, क्योंकि बाद में दिक्कत ना आए। देखिए आप भैया, ये फ्रेम है, जो फ्रेम जो प्लाई है वो अच्छे से लगा रहे हैं। तो चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, जो प्लाई का नाप है वो भैया ने ले लिया है। तो गाइस इसमें देखिए, ऊपर भी हम जो प्लाई है टीन के नीचे, वो सेफ्टी के लिए इसमें लगा रहे हैं, ताकि गर्मी और सर्दी इसमें ना लगे। तो गाइस देखिए, मैक्सिमम जो 80% प्लाई है वो भैया ने लगा दी है। अब इसमें जो डोर वगैरह है वो लगाए जाएंगे। तो गाइस फाइनली जो हमारी बजीज की न्यू कॉलोनी है वो बन चुकी है। इसमें मैंने पार्टीशन कर दिया है, इसमें मैंने दो दरवाजे बनाए हैं। मास्टर केज है ये, तो मेन डोर है, और ये वाले दो डोर, एक ये वाला डोर हो गया, एक डोर हो गया, ये अंदर कॉलोनी के अंदर जाने का है, ठीक है। तो सारा वुडन में करवाया मैंने सारा, और ये देखिए अंदर जाने का रास्ता, एक यहाँ से एक उधर से, ऐसे अंदर जाएंगे। तो ये सारे बजीज हैं जिनको मैंने पकड़ के केज में कर रखा था। अब क्या करना है, अभी तो काफ़ी काम रह रहा है इसमें, अभी पेंट वगैरह करना है, अच्छी तरह से इसको डेकोरेट करना है बहुत बड़ी तरीके से, जिससे कि देखने में भी ये अच्छी लगे। अभी फ़िलहाल तो पुराना वाला पेंट है वही हो रखा है, तो देखने में ऑकवर्ड लग रही है, ऐसी लग रही है, गंदी सी कॉलोनी लग रही है, लेकिन धीरे 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 सारा कुछ इस पर मैं पेंट वगैरह कर दूँगा बिल्कुल। और कहीं से अगर थोड़ा बहुत होल वगैरह रह रहा होगा तो वो भी ढकना है मुझे अभी, क्योंकि उसमें से बजीज ना निकल जाए इसलिए, ठीक है। तो सारी कुछ हमारी कॉलोनी, जो छोटी वाली कॉलोनी है वो तैयार हो गया, हमने बीच में पार्टीशन कर दिया है, आप देख रहे हैं पीछे। और फिलहाल इसमें पेंट वाला करेंगे, ये वाला पेंट है, इसको करेंगे इस दीवार के ऊपर, ठीक है। तो अब इसको क्रीम टाइप में करेंगे हम, ये वाला कलर लिया है, ठीक है। तो सारी दीवार पर कर देंगे इस वाले पेंट को। तो गाइस फाइनली हमारी जो कॉलोनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसमें सारा पेंट वगैरह है वो हमने कर दिया है। आप देखिए बहुत ही शानदार जो कॉलोनी है वो लग रही है। दो डोर दिए हैं, एक डोर ये वाला है और एक डोर ये वाला है, ठीक है। तो ऊपर हमने जो बैठने के लिए स्टिक वगैरह है वो हमने लगा दी है, आपको दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए। अब अभी आपके सामने ही सारे बजीज हैं, उसको इसके अंदर आज़ाद करेंगे, इस कलर कॉलोनी के अंदर छोड़ेंगे। मटकी वगैरह हैं वो भी बाद में लगानी है ये दो। तो भाई सारे बजीज ये रहे, अब इनको एक एक करके इस कॉलोनी में छोड़ेंगे, आज़ाद करेंगे। Thank you.
फाइनली हमने जो दाना पानी है वो हमने रख दिया है, तो बजीज नीचे आ गए हैं दाना पानी खाने के लिए। देखिए मैं ट्रे में एक ट्रे में मैंने कांगनी दो दाना डाल दिया है। देखिए बजीज जो पैरेट है वो नीचे आ रहे हैं दाना खाने के लिए। देखिए बहुत ब्यूटीफुल कलर है, कलर के बारे में जरूर कमेंट्स करें आप, जो मैं बजीज लेके आए हूँ वो उनके कलर कैसे हैं आपको कमेंट्स करना। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा आपको अपने दूसरे दोस्तों तक पहुँचाना, क्योंकि गाइस ऐसी वीडियो डालने से क्या होता है कि लोगों के अंदर जो बर्ड्स के प्रति जो प्रेम है लव है वो जागरूक होता है। तो गाइस मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक नमस्कार बाय फ्रेंड, मैं ख्याल रखें अपने बड़े ख्याल रखें।